प्रगति मैदान टनन लूट मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। ऐसे रची गई थी लूट की साजिश। एक कैरेक्टर है उस्मान करके, ये 25 साल का है, कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में रहता है। ये पिछले कुछ सालों से अमेजन का डिलीवरी बॉय था, करीब 7 साल से। कुछ बागपत के लड़के हैं, कुछ लोनी के, बेहता हाजीरपुर के, उनको इन्वॉल्व किया कि भाई हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारा परसेंटेज होगा और लूट तुम लोग हमारे साथ मिलके करो। तो इस तरह इन्होंने पीछा किया और जो टनल को इन्होंने टारगेट किया उसका कारण ये था कि इनको लग रहा था कि बाहर सड़क पे कहीं टारगेट करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई जाने आने वाला आके पूछ ले क्या हो रहा है भाई, या कोई रेजिस्टेंस हो जाए। टनल में इनको ये लग रहा था कि कोई गाड़ी रोकेगा नहीं। इस केस में खास बात यह है कि सब तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, CDR एनालिसिस, IPDR एनालिसिस, CCTV फुटेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ में सभी टीम्स का अलग अलग जगह पे दबिश, चाहे वो हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी, इवन ईस्टर्न यूपी तक, सभी टीम्स ने बहुत ही साथ काम करते हुए इस केस को सॉल्व भी किया है और रिकवरी भी की है और एविडेंस भी इकट्ठा किया है। अब इसमें जो कहानी उभर के आती है वो उस तरह की है कि दो तीन तरह के इसमें जो पुराने रॉबर भी हैं, नए लड़के भी हैं, मुखबिर भी हैं, सब ने मिल के इसको अंजाम दिया। इसमें जो एक कैरेक्टर है उस्मान करके, ये 25 साल का है, कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में रहता है। ये पिछले कुछ सालों से अमेजन का डिलीवरी बॉय था, करीब 7 साल से, और इसी एरिया में जो चांदनी चौक का एरिया है नॉर्थ दिल्ली का, वहाँ पे ये कुरियर बॉय का काम करता था। तो इसको ये आइडिया था कि ये जो एरिया है कुचा महाजनी और हैदरकुली वाला जो एरिया है, कुचा घासीराम वाला, यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट रहता, आना जाना रहता है। तो ये इसके दिमाग में आया कि मेरे ऊपर जो लोन है बैंक के, दो तीन बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के, वो लोन है, कुछ इसने IPL के सट्टे में पैसा हार गया था, तो ये सब मिला के इस कर्जे को कैसे उतारा जाए, उसके लिए इन्होंने प्लान बनाया कि हम लूटेंगे जो ये पैसा लेके चलते हैं। इसमें इसने सबसे पहले रोप इन किया अपने कज़न को, इरफान को। ये दोनों भिंड मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सालों से इनका परिवार बुराड़ी में, कौशिक एनक्लेव में सेटल था। तो दूसरा आदमी है इरफान, ये एक बारबर का काम करता है वहीं एक नाई की दुकान पे। इन दोनों ने मिलके सबसे पहले प्लान बनाया और फिर इन्होंने आगे, कुछ बागपत के लड़के हैं, कुछ लोनी के, बेहता हाजीरपुर के, उनको इन्वॉल्व किया कि भाई हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारा परसेंटेज होगा और लूट तुम लोग हमारे साथ मिलके करो। उनको बोला गया कि तुम बाइक अरेंज करके लाओ। अनुज मिश्रा अलियास सनकी, 26 साल का है और एक मोटरसाइकिल जो थी उसको अनुज मिश्रा अलियास सनकी चला रहा था। ये मैकेनिक है, पिछले 6 साल से दिल्ली जल बोर्ड का जो केवल पार्क आदर्श नगर में एक वो रिपेयरिंग वर्कशॉप, 6 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे वो कर रहा है। उस्मान का काम मेन था वहाँ से इन्फॉर्मेशन देने का, उसके साथ ये सुमित था और गाड़ी पे जो गए थे उसमें इरफान, बाला, सनकी और एक आदमी जो अभी बाकी है, उसका नाम आना बाकी है, और एक पहलवान भी है, इनकी आइडेंटिटी एक दो लोगों की अभी बाकी है। तो इस तरह इन्होंने पीछा किया और जो टनल को इन्होंने टारगेट किया उसका कारण ये था कि इनको लग रहा था कि बाहर सड़क पे कहीं टारगेट करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई जाने आने वाला आके पूछ ले क्या हो रहा है भाई, या कोई रेजिस्टेंस हो जाए। टनल में इनको ये लग रहा था कि कोई गाड़ी रोकेगा नहीं,